सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम मेजरमेंट को देख लेते हैं। लंबाई है 29 इंच, शोल्डर 17.5 इंच, आस्तीन 26.5 इंच, सीना जिसे हम चेस्ट कहते हैं 34 इंच व कॉलर 14.5 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से डबल कर जमा लिया है ताकि हम दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में कर सकें। तो इस तरह से आप पहले कपड़े को टकर कर जमा लें क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर की जाती है। इसके बाद आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग ऊपर कर लें ताकि जिससे जो भी रेशेदार कपड़ा है वो आपका हट जाए, वो बिल्कुल कपड़ा आपका सीधा हो जाए। इसके बाद हम प्लेट के लिए मार्किंग करते हैं। तो प्लेट के लिए दोस्तों, कोर को हटाकर आपको 2 इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग करना है। तो आप इस तरह से यहाँ पर 2 इंच मेजर कर ले और मार्किंग कर ले। इसी तरीके से आपको करीब 2 से 3 मार्किंग 2 इंच पे करना है ताकि जब आप सीधे स्केल की मदद से प्लेट के लिए मार्किंग करें तो वो आपकी बिल्कुल सीधी मार्किंग हो। तो इस तरह से आप 2 इंच पे प्लेट के लिए मार्किंग कर ले। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का जो मेजरमेंट था वो 29 इंच था, इसमें आप 1 इंच बढ़ा लें क्योंकि जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे दामन की सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच बढ़ाकर आप 29 में 1 इंच बढ़ा लें और फिर 30 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर दें। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर 29 इंच लंबाई का मेजरमेंट था और 1 इंच बढ़ाकर आप 30 इंच पे मार्किंग कर लें। इसके बाद आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। तो चेस्ट का जो मेजरमेंट था 34 इंच था, 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे आप आर्म होल के लिए मार्किंग कर लें। इसके बाद आप इन दोनों मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से सीधा कर लें। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो मेजरमेंट था 34 इंच था, आप 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे आप पहले चेस्ट के लिए मार्किंग कर ले। इसके बाद दोस्तों, जो हम नॉर्मली 2 इंच लूजिंग लेते हैं, ये आपको हर शर्ट में 2 इंच ही नॉर्मल लूजिंग लेना है। इस तरह से आप मार्किंग कर ले। इसके बाद आप फ्रंट की चौड़ाई नापे कितनी हो गई है। तो 10.5 इंच का हमारा जो फ्रंट है कंप्लीट है। तो इस तरह से आप 10.5 इंच नीचे दामन में भी मार्किंग कर ले। अब इन दोनों मार्किंगों को जो हमने 10.5 इंच पे की है, इन दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए आप एक मार्किंग करें। इसके बाद आपको गले के लिए मार्किंग करना है। तो गले का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं दोस्तों, हम आपको समझा देते हैं। जब भी आपका मेजर कॉलर 14 इंच तक हो, मीन्स 13, 13.5 या 14 इंच हो, तो आपको गले के लिए 2.5 इंच लेना है। अगर 14.5 से 15.5 तक हो तो आपको यहाँ पर 2.75 इंच लेना है। और दोस्तों, अगर 16 से आपका मेजरमेंट 18 तक हो तो आपको 3 इंच लेना है। तो यहाँ पर हमारा 14.5 इंच कलर का मेजरमेंट था, तो हमने 2.75 इंच गले के लिए मार्किंग कर लिए। और शोल्डर का जो मेजरमेंट था 17.5 इंच था, इसका हाफ करने पाएगा 9.25 इंच। और 1/2 इंच सिलाई में लेते हुए हम 9 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर देते हैं। और 2 इंच हम शोल्डर को नॉर्मली जो डाउन करते हैं, इस तरह से हम शोल्डर को 2 इंच डाउन कर लेते हैं। इसके बाद आप इन दोनों इन सभी मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से मिला ले। इसके बाद जो शर्ट में हम शेप देते हैं, किस तरह से हमें शेप दिया जाता है, यह आगे वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो आप पहले सबसे पहले गले में शेप दे दें। इस तरह से हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे गले की। इसके बाद हम आर्म होल में शेप किस तरह से देते हैं, तो दोस्तों आप राउंड स्केल लीजिए और जो हमने मार्किंग करी है उससे करीब आप 1/2 इंच अंदर की ओर स्केल लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर ले और इस मार्किंग से ही शेप देते हुए आप आर्म होल में शेप दे दें। तो इस तरह से आपने आर्म होल में शेप दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर शर्ट की फिटिंग करने के लिए हम राउंड स्केल को इस तरह से रखेंगे ताकि राउंड ज़्यादा दिल सके और शर्ट की फिटिंग बेहतर हो सके। तो यहाँ पर शर्ट की फिटिंग में हम शेप देते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। और दोस्तों, ये जो शर्ट है ये ओपन शर्ट है, तो ओपन शर्ट में नॉर्मली हम 2 इंच का राउंड लेते हैं। तो 2 इंच आप ऊपर मार्किंग कर ले और राउंड लेते हुए आप नीचे दामन में मार्किंग कर ले। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट की है। अब हम इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है यह भी समझ लेते हैं। जी दोस्तों, अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आपको बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग करना है।
तो आप इस तरह बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग फ्रंट की कर ले। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर हमने शर्ट की कटिंग करने के लिए 36 पन्ने का कपड़ा लिया है, वो इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहाँ से फ्रंट को कटिंग करना है, कहाँ से बैक की कटिंग करना है, वो कहाँ से आस्तीन की कटिंग करना है आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको शर्ट की कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है, चलिए अब बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। तो दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं जो साइड वाला कपड़ा है वो डबल हमने फ्रंट कटिंग करने के लिए रखा था। तो बैक की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को इस तरह से सिंगल कर कर जमा लें। दोस्तों जब भी आपके शर्ट का मेजरमेंट 36 इंच से कम हो तो आप इसी तरीके से फ्रंट व बैक की कटिंग करें। अगर 36 इंच से ज़्यादा आपका शर्ट का मेजरमेंट है तो आप यहाँ से बैक की कटिंग नहीं कर पाएंगे, ये कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा शर्ट का जो मेजरमेंट था वो 36 इंच से कम था, तो यहाँ पर से हम आपको बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है यह समझा देते हैं। तो दोस्तों जो शर्ट शर्ट का फ्रंट की चौड़ाई देखी थी हमने वो 10.5 इंच थी। तो आप यहाँ पर अगर आपके कपड़े की चौड़ाई 10 इंच भी होती तो आप आसानी से यहाँ पर बैक की कटिंग कर पाते। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है वो बैक के साथ शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है हम आपको आसानी से समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर एक सीधे स्केल की मदद से मार्किंग करें इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर की कटिंग करना है, तो शोल्डर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर आप 2.5 इंच पे गले के लिए मार्किंग करें और गले को जो आप बैक में डाउन करते हैं वो 1.5 इंच करते हैं, वो 3 इंच नीचे एक मार्किंग कर लें। दोस्तों इस 3 इंच मार्किंग जो हमने की है इसके नीचे से हम फ्रंट को यहाँ पर जमा लेते हैं। दोस्तों हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में आपको यहाँ पर बैक के साथ शोल्डर की कटिंग करना बताया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने शोल्डर को जमा लिया है। वो शर्ट फिटिंग होने के कारण यहाँ पर हम जो बैक से फ्रंट को करीब 1/2 इंच बाहर निकालते हुए जमाएंगे ताकि जो शर्ट की फिटिंग है वो अच्छी हो सके। तो 3 इंच वाली जो मार्किंग है उसके नीचे से हमने फ्रंट को जमाया है, वो बैक के कपड़े से फ्रंट को करीब 1/2 इंच बाहर निकालते हुए हमने जमाया है जिससे शर्ट की फिटिंग अच्छी हो सके। तो इस तरह से पहले आप कपड़े को जमा लें, मीन्स फ्रंट को बैक के कपड़े पर जमा लें, इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों शोल्डर का जो मेजरमेंट था 17.5 था, आप 1/2 इंच बढ़ाकर 9 इंच पे मार्किंग कर ले और 3 इंच नीचे जो हमने यहाँ पर मार्किंग की थी इसी तरीके से आप 3 इंच मार्किंग कर ले यहाँ पर भी, और इस तरह यहाँ पर आप शोल्डर के लिए सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर ले। इसके बाद गले में भी आप शेप दे दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बहुत आसानी से यहाँ पर बैक में शोल्डर की मार्किंग कर ली है। इसके बाद आर्म होल में हम 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंगों को आप मिलाते हुए सीधे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें। दोस्तों आर्म होल में आप शेप दे दें और आस्तीन की अच्छी फिटिंग करने के लिए यहाँ पर हम राउंड स्केल की मदद से हल्का सा करीब 1/4 से 1/2 इंच राउंड शेप लेते हुए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हुई है। नॉर्मली आपने देखा होगा शर्ट में जो बैक की लंबाई है वो ज़्यादा हो जाती है पीछे से, तो इसे हम कम करने के लिए यहाँ पर एक मार्किंग कर ले। चलिए दोस्तों अब हम बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको मार्किंग के अकॉर्डिंग ही बैक की कटिंग करना है जिस तरह से हमने मार्किंग की है। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों जिस तरह से हमने बताया है कि जो बैक की लंबाई है वो पीछे से बढ़ जाती है, तो उसे हम कम करने के लिए यहाँ पर जो बैक की लंबाई है वो 1/2 इंच कम करते हुए इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो आपकी बैक की लंबाई है वो बिल्कुल परफेक्ट हो सके। दोस्तों आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है यह भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों आस्तीनों की कटिंग जो है वो साथ में करने वाले हैं। तो आप कपड़े को इस तरह से जमा लें। वो आस्तीन की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से आप फोल्ड कर ले।
अब आपको कपड़े को ऊपर से कितना फोल्ड करना है, तो दोस्तों ये आर्म होल की मार्किंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इस शर्ट की कटिंग करने में हमने जो आर्म होल के लिए मार्किंग की थी वो 8.5 इंच पे की थी फ्रंट में, आपको याद होगा। तो आप ऊपर से कपड़े को मेज़र कर ले 8.5 इंच और इसे कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से जमा ले। हम मेज़र कर लेते हैं 8.5 इंच है या नहीं है। दोस्तों 8.5 इंच से ज़्यादा है तो आप इसे कम कर ले, वो बिल्कुल 8.5 इंच आप कोर को छोड़कर मेज़र कर ले। ये देखिए 8.5 इंच हमने कपड़े को जमा लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। नीचे से आप आस्तीन को 3 इंच डाउन कर ले। दोस्तों जो आस्तीन की लंबाई का मेजरमेंट था वो 26.5 इंच था और 3 इंच के हम यहाँ पर कप लगाने वाले हैं। तो आप ऊपर से सिलाई का छोड़ते हुए नीचे आप 2 इंच कम कर ले और 24.5 इंच पर मार्किंग कर ले। दोस्तों ये हमने आपको पहले भी समझाया है। और नीचे आप 5.25 इंच नॉर्मल लूजिंग लेते हुए मार्किंग कर दे। अगर आप 2.5 इंच के कप लगा रहे हैं तो आपको नीचे से 1.5 इंच कम करना है। अगर आप 3 इंच के कप लगा रहे हैं तो आपको नीचे से 2 इंच कम करना है और लंबाई के लिए मार्किंग कर देना है, ताकि जब आप कप की फिटिंग हो जाए तो आपकी आस्तीन की लंबाई बिल्कुल हो जाए जितनी आपने मेजरमेंट की थी। तो इस तरह से आप जो नीचे 3 इंच डाउन में मार्किंग की थी उसे आप इस तरह से शेप देते हुए मिला लें। अब हम इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है यह समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर ले। इसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं कि आपको बैक के लिए वो शोल्डर के लिए किस तरह से राउंड देना है। तो आप दोस्तों हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब आस्तीन पट्टी में हमें किस तरह से कहाँ पर कट लेना है, वह कितने इंच का लेना है, यह हम आपको समझा देते हैं। तो आप नाखून की मदद से इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग कर ले। आप देख सकते हैं कि हमारे कपड़े पे मार्किंग आ गई है। तो इस मार्किंग के जो बैक वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्से में आप 1/2 इंच अंदर की ओर, इस मार्किंग से 1/2 इंच अंदर की ओर एक मार्किंग करें, वो करीब 5 से 5.25 इंच का एक कट लगा लें जिसमें हम आस्तीन पट्टी स्टिचिंग करते वक्त बना सके। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कट लगा लिया आस्तीन पट्टी के लिए। दोस्तों ये जो हमारी आस्तीन पट्टी होती है ये बैक में हम कट लगाते हैं, तो फ्रंट में हम किस तरह से शेप देते हैं ये समझ लेते हैं। तो आपको कटिंग करते वक्त किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप पहले ही एक मार्किंग कर ले, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आप शेप दें। तो आपको आधा शेप इस तरह से देना है, वो आधा शेप आस्तीन को टर्न करके देना है ताकि आपको शेप देते वक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो आपका शेप बिल्कुल आसानी से दिल जाए। तो आप इस तरह से एक मार्किंग कर ले, फिर ही आस्तीन में शेप दे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो पोर्शन हमने एक्स्ट्रा राउंड लेते हुए कट किया है, ये जो पोर्शन फ्रंट में अटैच होगा और जो बैक वाला पोर्शन है वो आपका बैक में अटैच होगा। तो इस तरह से आप शेप देने के बाद देख ले कि आपका जो बैक वाला शेप है वो भी बिल्कुल सही है या उसे भी थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि जो बैक वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो इसे दबाते हुए आप हल्की सी कटिंग कर ले ताकि जब आप स्टिचिंग करें तो आपकी जो शर्ट की फिटिंग है वो बेहतर हो सके। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि शोल्डर की कटिंग बैक की मदद से किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बैक की मदद से शोल्डर की कटिंग करना बता रहे हैं, वह यहाँ पर हम आपको डिजाइनर शोल्डर की कटिंग भी बता रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे ताकि आपको शोल्डर की कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले ही देखा था कि जो शर्ट शोल्डर का मेजरमेंट था 17.5 इंच था, आधा करने पर आ रहा था 4.25 और 5 इंच सिलाई का, मीन्स 9 इंच से करीब आप 1 इंच बढ़ा ले और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर जमा ले। तो यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है वो हल्का सा हमने कम फोल्ड किया है, तो आप इसे थोड़ा हल्का सा और बढ़ाते हुए कपड़े को जमा ले और बिल्कुल आप बैक को शोल्डर के कपड़े पर अच्छी तरीके से जमा ले, इस तरह से जिस तरह से हमने जमाया है। जमाने के बाद आप साइड से एक मार्किंग कर लें। दोस्तों ये मार्किंग हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारी बैक कहीं से हिल जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बैक हिल गई है। और आप अब इसकी कटिंग कर लें। दोस्तों है ना, बैक की मदद से शोल्डर की कटिंग करना बहुत ही आसान। तो इस तरह से आप यहाँ पर कटिंग कर लें। इसके बाद हमें डिजाइनिंग वाले शोल्डर की कटिंग करने के लिए किस तरह से मार्किंग करना है चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से आप पहले कटिंग कर ले
शोल्डर की जो नॉर्मल चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है, तो हमें यहाँ पर 6 इंच तो शोल्डर की चौड़ाई लेना है। इस तरह से आप 6 इंच पे मार्किंग कर ले, वैसे सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आगे बढ़ाकर सीधा कर ले। अब हमें शोल्डर में शेप देना है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर वी आकार का भी शेप दे सकते हैं, या फिर जिस तरह से हम आपको देना बता रहे हैं आप इस तरह से भी शेप में शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप दे दें। दोस्तों इस तरह से जो आपकी शोल्डर की कटिंग होती है वो शेप होता है, बहुत ही गुड लुकिंग दिखता है। तो आप भी इसी तरीके से शोल्डर में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको शोल्डर शर्ट की कटिंग करना बताया है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें व कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें फीडबैक मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर की कटिंग करना बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।